अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। जितने भी परदेसी भाई हैं तो इस न्यूज़ को अपने पास सही तसली से रख लें, ठीक है? तो जो भाई जिस तरह जाना चाहते हैं, बोलते हैं हम पाकिस्तान जाना है, इंडिया जाना है, कोई भी जाने वाले परदेसी भाई जितने भी हैं, ठीक है, उनके लिए ये न्यूज़ है कि आप अपना वक्त भी ज़ाया नहीं करेंगे, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को, आपके पास तो हर एक बंदे के पास जिस तरह नेट वगैरह कोई भी इस तरह का होता है, ठीक है ना, तो नेट हर बंदा इस्तेमाल करता है, ठीक है। गूगल तो आईडी हर एक के पास बनी हुई होती है, ठीक है। आप अपने इस तरह करें कि हर जिस तरह भाई कोई भी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, किसी जगह पर भी न्यूज़ देखता है तो उसको शेयर कर लेते हैं, तो न्यूज़ की आप लोग तसल्ली किया करें, ठीक है। उस न्यूज़ की जांच पड़ताल किया करें कि वो न्यूज़ ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि हर बंदा शेयर करता है ऐसी चीज़, कोई भी देख लेता है तो उसको शेयर कर लेता है, तो शेयर करने से यही होता है, जो जो लोग परदेसी भाई हैं जितने भी, तो वो परेशान हो जाते हैं, यार इस बात का क्या होगा, इस पर कैसी बात चल रही है, ये क्या होगा, इसका क्या होता है, कोई भी कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग हर के पास गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, ठीक है, तो आप लोग अपने पास नेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने पास गूगल में जाया करें, ठीक है। कोई भी ऐसी न्यूज़ देखें तो उसको आप सबसे पहले आप गूगल में जाकर ट्राई कर लें, पहले चेक कर लें कि हाँ ये न्यूज़ ठीक भी है या नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग हर की हर गड़ाई बातों पर ना जाया करें, तो आप अपने दिल को भी तसल्लियाँ दें, अपने घर वालों को भी तसल्लियाँ दिया करें, ताकि कोई भी परेशान ना हो इस तरह। तो आप जब जैसे ही गूगल ओपन करेंगे अपने मोबाइल में, आप गूगल ओपन करें, ठीक है, गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ ऊपर में सर्च बार में आप लिख जाएँ यहाँ पर, ठीक है। आप जैसे कोई न्यूज़ वगैरह कुछ जानना है, न्यूज़ कोई भी आपको, यानी कि जाना है फ़्लाइट कब ओपन होगी, क्या सिस्टम कब है, क्या कुछ नहीं है, आप जैसा भी है इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिस भाई को जितना आता है हिसाब से आप उर्दू भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी मैं आपको दिखाता हूँ लिखकर, ठीक है ना। एनी न्यूज़ यानी कि एनी न्यूज़ सऊदी अरेबिया ओपन फ्लाइट कब ओपन होगी, ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी, तो ठीक है ना। तो इसी तरह आप, मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ, तो आप इस तरह कोई भी न्यूज़ इस तरह लेंगे, जब जैसे ऊपर लिखेंगे इस तरह लिख कर, आप इस तरह उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये नीचे इसमें देखें आप कौन सा एरिया वाला ठीक है, इसमें आप सब इसमें देख रहे हैं कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं भी देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, तो ये न्यूज़ गल्फ न्यूज़, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया ट्रेवल बिजनेस, ठीक है ना, जो भी है इसको, ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ अभी ये आपके सामने, तो ये देखिए इस सूरत में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे ऊपर लिखा हुआ है कोरोना वायरस सऊदी अरेबिया एक्सटेंड, मुझे भी इतना इंग्लिश नहीं आता खास करना, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए कह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख लें और सीख लें थोड़ा, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप लोग आगे जाएँ, ठीक है। तो जिस तरह ये ट्रेवल बंस टू पाकिस्तान एंड इंडिया सस्पेंड फ्लाइट्स, ठीक है, तो इसी तरह ये लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। और आपने अगर, जिस तरह मैं आपको दिखाने के लिए भी कर रहा हूँ, आपने जो करना है, जो न्यूज़ चेक करनी होती है, वो न्यूज़ को तसल्ली के साथ आप इस तरह चेक कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आप लिखें सर्च बार में, लिखेंगे तो आपके पास नीचे ये न्यूज़ आ जाएंगी, तो उस तरह आप न्यूज़ देख सकते हैं ईजीली, ठीक है। जिस तरह ये, जिस भाई को पढ़ना नहीं आएगा इंग्लिश, मेरी तरह जिस तरह, तो इंग्लिश उसको ट्रांसलेट कर सकता है उर्दू में भी, जिसकी जो लैंग्वेज है, श्रीलंका वाली लैंग्वेज है, जो हिंदी वाली लैंग्वेज, इंडिया वाले कोई है भाई, बांग्लादेश वाला जो भाई है, उसके भी अपना इस तरह ट्रांसफर कर सकता है इजीली, ठीक है, बहुत आसान है। उसके लिए आपको करना ये है कि ये देखिए, अब ये न्यूज़ जो आई हुई है नीचे देखिए, कोई भी आप न्यूज़, बहुत सारी न्यूज़ है कोई भी है, ठीक है, आपने किस न्यूज़ को अभी ओपन करना है, यानी कि कोई भी न्यूज़ है आपको, आपको पढ़ना नहीं आ रहा कुछ भी, इसको यहाँ पर उंगली से दबा के रखना, ठीक है। इस एरिया को आप जैसे ही उंगली से दबा के रखेंगे ना, आप जैसे ही उंगली के साथ दबा के रखेंगे इसको, तो ये देखिए सियारत में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से इसको ऐसे फैला देना है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको फैला के नीचे ले जाना है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ से इसको कॉपी कर देना है, ठीक है, ये ऊपर आप निशान आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला एरिया जो है इसको आपने कॉपी कर देना है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जैसे ही ये कॉपी होगा, आप इसको बैक चले जाएँ, ठीक है, बैक जाने के बाद आपने फिर गूगल में चले जाएँ, गूगल में आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे आप गूगल ट्रांसलेट, ठीक है ना, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया है इधर में ये वाला, तो आपने यहाँ से ट्रांसलेट करने के लिए आ जाना है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर आएंगे, ठीक है, अब आपको कौन सी ज़बान वाली चाहिए वो ज़बान भी यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, इस जगह से आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको ज़बान चाहिए वो ज़बान आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी ये आपके पास ये आ गया है, ठीक है, मतन दर्ज करें यहाँ पर, कोई भी दर्ज करने वाला, जैसे आपने वो कॉपी किया था आपने यहाँ इसके ऊपर उंगली के साथ दबा के रख देना है, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा दबाएंगे तो ये ऊपर पेस्ट लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है, तो इस तरह ये पेस्ट आ जाएगा, ठीक है, वो जो आपने जो कॉपी किया था
वो न्यूज़ यहाँ पर आ गई है, आपने अभी इसको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट के लिए अभी आपके पास ये आ गई है। तो अभी आप देखें नीचे ये वाली, ठीक है, ये भी आपके पास यानी कि ट्रांसलेट होकर आ गई है। दुबई सऊदी अरब ने कोरोना वायरस फैलने से बचने के लिए पाकिस्तान और भारत समेत मुतद ममालिक में परवाज़ें मअतल करने का ऐलान किया है। रातों रात 24 नए केसों का ऐलान करने के बाद इसकी मजमू तादाद 45 हो जाती है, इस सरकारी मीडिया ने जुमरात को रिपोर्ट किया, ठीक है ना। ये इसी तरह, ये पुरानी न्यूज़ है, तो इसी तरह आपने जो न्यूज़ आपने लेनी है तो इसी तरह आप लोगों ने वो न्यूज़ हासिल करनी है, ठीक है। तो आप परफेक्ट न्यूज़ पर जाएंगे तो परफेक्ट न्यूज़ हासिल कर सकते हैं। इस तरह जो भी आप न्यूज़ लेनी है इसी तरह आप लोगों ने वो न्यूज़ लेकर, जिस भाई को पढ़ना नहीं आता तो वो इंग्लिश में, तो आपने यहाँ पर ट्रांसलेट उर्दू में कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको तरीक़ाकार दिखा रहा हूँ, आपने ये तरीक़ाकार सीखना है। तो आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए, ताकि कोई मुश्किल दरकार पेश ना आए आपको, किसी की मनगढ़ी बातों में ना जाया करें। कोई भी न्यूज़ आ जाती है, उस न्यूज़ को आप लोग दिल में लगा लेते हैं, कोई भी इस तरह बात ना किया करें, तो इस तरह बिल्कुल ईजी रहेगा जी। तो इसी तरह फिर आपने दोबारा दूसरी न्यूज़ अब देखनी है तो फिर बैग चले जाएँ, ठीक है। आपने जैसे उसको ट्रांसलेट किया था, पहले जो लिखा हुआ था वहाँ पर जो न्यूज़ लिखी थी आपने, वही दोबारा लिख कर दोबारा वहाँ पर सर्च करें, तो आपके पास वो नीचे फिर दोबारा आ जाएगी। और जिस सूरत में आपके पास दोबारा आएगी, इसको ओपन करें दोबारा, ठीक है, आपके पास वो न्यूज़ देखें, ये पहले वाली न्यूज़ आपके पास आ गई है। अब ये आप जानना चाहते हैं कि नीचे वाली न्यूज़ भी जो पूरी में डिटेल मिल जाए तो वो किस तरह होगी, तो इसी तरह आप इसको भी यहाँ पर इसी तरह सेम वही तरीक़ाकार है कॉपी कर दें, ठीक है। इसको दबा के रखें और इसको जो ये वाला है इसको आप फैला दें इस तरह, ठीक है ना। इस तरह इसको आप इस तरह फैलाते जाएँ, फैला कर इसके इस तरह कर दें, ठीक है। और फिर उसके बाद उसी वही सेम तरीका यहाँ पर कॉपी कर दें, ठीक है। फिर आप इसको जाकर वहीं जाकर गूगल में जाकर, गूगल ट्रांसलेट में जाकर आपने इसको फिर दोबारा वहीं पेस्ट कर देना है, तो आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या खबर ये सही है या नहीं सही, कैसी है ये खबर, जो हम लोगों ने सुनी थी वो खबर कैसी थी, ठीक है। इसी तरह देखिए ये फिर अभी आ गई दूसरी न्यूज़ अभी यहाँ पर आ गई है, ठीक है ना। तो जो भी आपने इस तरह लेना है, जो भी खबर लेनी है, जो भी आपने पता करना है इस तरह का, तो किसी की मनगढ़ंत बातों में ना जाएं, ठीक है। और जो न्यूज़ आती हैं, कोई कैसी न्यूज़ डालते हैं, कोई कैसी न्यूज़ आती है, तो सच्चाई न्यूज़ जो आपको ढूंढनी है तो वो गूगल में आपको मिल जाएंगी, इजीली मिल जाएंगी, आप यहाँ पर आप देख लिया करें, ठीक है। तो सब भाई माशाल्लाह जो भी रहते हैं यहाँ पर परदेसी में जो भी हैं, वो तो सब लोग नेट यूज़ कर रहे हैं और सबके पास गूगल अकाउंट बने हुए होते हैं। हर बंदे के पास गूगल अकाउंट के बगैर तो मोबाइल कोई भी ओपन नहीं होता ना, गूगल अकाउंट तो लाजमी होता है हर एक के पास। तो आप अपना इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। इस वक्त में जो सब्र करने का वक्त है, इस वक्त में सब्र करें, ज़्यादातर जितना सब्र हो सके करें, और एक दूसरे को तसल्ली दें और एक दूसरे के साथ मदद करें, हेल्प करें, ठीक है। तो बाकी की जो हुकूमतों की तरफ से जो होती रही आती हैं खबरें, आप यहाँ पर गूगल पर आप लोग बेशक चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं इस तरह। और ये देखिए अभी जैसे मैं दूसरी न्यूज़ कॉपी की थी, वो इस फैसले में यूरोपियन यूनियन, सुसाइड न्यूजीलैंड, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपाइन, सूडान, ठीक है, ये सारे इसमें देखिए लिखे हुए हैं ममालिक के नाम, ठीक है, मअतल किए गए हैं जिस तरह ये लिखे हुए हैं। इसी तरह की आप खबर जो लेनी है, न्यूज़ जो लेनी है, वो न्यूज़ ऊपर डेट लिख लें साथ में, जिस डेट की न्यूज़ चाहिए आपको, आज की डेट में क्या है और कैसे आपने करना है, उस बारे में इसके बारे में क्या होगा, वो न्यूज़ आपने ईजीली वहाँ से हासिल कर सकते हैं। हर खबर की इस तरह आप लोग बिल्कुल जान पड़ताल किया करें, ताकि कोई वो आपके पास जिस तरह कोई बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, या ठीक है ना, वो लोग शेयर करते हैं, कोई भी न्यूज़ होती है उसको शेयर कर लेते हैं, तो उसमें तस्दीक किया करें कि हाँ ये खबर सच्ची है, ये झूठी है। हर बंदा इस बात को लेकर परेशान हो जाता है कि हाँ ये भाई ये पता नहीं खबर कैसी है, ये कैसी नहीं है, तो इस बात को लेकर बहुत सारे लोग ज़हनी टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है, ज़हनी दबाव में आ जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करें, ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, ताकि उनकी सोच कर आगे जाएँ, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आप लोगों को। तो इस तरह आप तस्दीक किया करें खबर को, कोई भी खबर हो तो उसको तस्दीक के साथ देखा करें, पढ़ा करें और सुना करें, ठीक है। तो बाकी की खबर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप जो भी आपको चाहिए गूगल में अकाउंट में, आपको जो खबर भी चाहिए होती है वो लिख कर आप सर्च करें तो आपको आ जाएगी। कोई भी ज़बान आपकी ट्रांसलेट करने वाली ज़बान है तो वो ज़बान भी आप लोगों को दिखा दिया है, आप ट्रांसलेट भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है, किसी की कोई बातों में ना जाए आएँ, ठीक है। तो अपना भी ख्याल रखें और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी तो ख्याल रखें, उनके बारे में सोचें, ठीक है। तो ये परदेस है, परदेस में ऐसा होता है, ठीक है। और जितना कितना सब्र करें, सब्र का फल आप लोगों को पता ही है, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये थी आज की न्यूज़, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। तो जो भाई इन चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली ऐसी और नई वीडियोज़ आप लोगों के साथ पहले मशहूर हो सके आप लोगों को, ठीक
ठीक है। और कमेंट, वीडियो के कमेंट में लाजम अपने अजहार का ख्याल ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों के हर का ये वीडियोस है कैसी अच्छी लगी है या नहीं लगी, आप लोग इसके मुताबिक आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।